दोस्तों, इस धरती पर सांपों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रजातियां इतनी जहरीली होती हैं कि इनका सिर्फ कुछ बूंद जहर ही किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। यहां तक कि उनका जहर एक विशालकाय हाथी को भी मौत के घाट उतार सकता है। वैसे ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांपों से डर लगता है, तो वहीं सांपों की कुछ प्रजातियां इतनी फ्रेंडली होती हैं कि कई लोग बड़े पैमाने पर इन्हें अपना पालतू भी बनाते हैं। पर आपको बता दें कि अधिकतर सांप ऐसे होते हैं जो कि इंसानों का सामना करने से बचते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सांपों से मिलवाने वाले हैं जो कि दुनिया भर में अपने विशालकाय आकार की वजह से जाने जाते हैं। और यकीन मानिए, ये सांप इतने लंबे होते हैं कि इनकी लंबाई के आगे शायद आपका घर भी छोटा पड़ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन को आम भाषा में जालीदार अजगर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें ये नाम इनके शरीर पर मौजूद भूरे, पीले और काले रंग की धारियों की वजह से दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया, बांग्लादेश और वियतनाम के वर्षावनों और दलदली इलाकों में पाए जाने वाले ये सांप दुनिया के सबसे बड़े सांपों की लिस्ट में शुमार हैं। इनकी लंबाई लगभग 29 फीट के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 270 किलोग्राम तक होता है। हालांकि फीमेल सांप आकार के मामले में मेल से बड़ी होती है। विशालकाय शरीर और भारी भरकम वजन वाले ये सांप बेहद ही खतरनाक शिकारी भी होते हैं, जो कि हिरन के साथ साथ बड़े से बड़े जानवरों को भी पलक झपकते ही दबोच लेते हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी ये सांप काफी तेजी से रेंगने के लिए जाने जाते हैं। और अपने इस बेहतरीन कला के दम पर जब ये अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं, तो शिकार का बच पाना मुश्किल हो जाता है। किंग ब्राउन स्नेक। दोस्तों, किंग ब्राउन स्नेक का नाम दुनिया के सबसे बड़े सांपों की लिस्ट में आता है। आमतौर पर ये सांप ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों, जंगलों और झाड़ियों में पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इस सांप की लंबाई लगभग 11 फीट तक होती है, और इनका वजन करीब 6 किलोग्राम के आसपास होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये सांप काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं। दोस्तों, किंग ब्राउन का जहर इतना घातक होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस सांप की सबसे बड़ी खासियत है इसके शरीर की बनावट। इन सांपों के शरीर के ऊपर पीले और भूरे रंग के ढांचे बने होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें छुपने में काफी आसानी होती है, और इससे इनके शिकार को इनकी मौजूदगी का जरा सा भी एहसास नहीं हो पाता। और जैसे ही कोई शिकार इनके आसपास भटकता है, तो पलक झपकते ही ये उसे दबोच लेते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा सांपों की लंबाई लगभग 30 फीट के आसपास होती है, और इनका वजन करीब 250 किलोग्राम तक होता है। हालांकि रेटिकुलेटेड पाइथन की तरह ही ग्रीन एनाकोंडा में भी मादा का आकार नर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये आकार और वजन में जितने विशाल होते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा ये खतरनाक शिकारी होते हैं। हालांकि ये सांप भी जहरीले तो नहीं होते, लेकिन अपने विशालकाय शरीर के दम पर ये अपने शिकार को जकड़कर उसे मौत की नींद सुला देते हैं, जिसके बाद ये उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। आमतौर पर ब्राजील में पाए जाने वाले ये सांप जंगली सुअर और हिरण को ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इन सांपों की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि ये अपने शिकार की तलाश में खुद कहीं नहीं जाते, बल्कि ये एक जगह पर छिपकर बैठ जाते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं। और फिर जैसे ही कोई भी जीव इनके रडार में दिखाई देता है, तो ये पलक झपकते ही उसे पकड़कर निगल जाते हैं। किंग कोबरा। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे सांपों की लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन सांपों की लंबाई लगभग 13 फीट तक होती है, और कई बार तो 18 से 20 फीट तक लंबे किंग कोबरा भी देखे गए हैं। इनका वजन लगभग 6 किलोग्राम तक होता है। किंग कोबरा को दूसरे सांपों की तुलना में जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो है इनका बेहद ही घातक जहर। किंग कोबरा एक बार में करीब 7 मिलीलीटर जहर को उगलने की क्षमता रखता है, और अगर ये जहर किसी इंसान के शरीर के अंदर चला जाए, तो केवल 30 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि ये अगर अपने से कई गुना बड़े और विशालकाय हाथी को भी काट ले, तो बस केवल 3 घंटे में ही उसकी मौत हो जाती है। एमेथिस्टीन पाइथन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सांपों की लिस्ट में शामिल एमेथिस्टीन पाइथन नाम के इस सांप की लंबाई लगभग 27 फीट तक हो सकती है, वहीं इनका वजन करीब 14 किलो के आसपास होता है। मादा एमेथिस्टीन पाइथन नर में तुलना से काफी बड़ी होती है। आमतौर पर ये इंडोनेशिया, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सांप एक बेहतरीन तैराक भी होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर पानी के रास्ते एक लंबी दूरी भी तय कर सकते हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर।
दोस्तों बोआ कंस्ट्रिक्टर नामक इन सांपों की लंबाई लगभग 13 फीट तक होती है। हालांकि इनका वजन भी काफी ज्यादा होता है जो कि लगभग 27 किलोग्राम तक होता है, जिसकी वजह से बोआ कंस्ट्रिक्टर को किंग कोबरा के मुकाबले अधिक विशाल माना जाता है। आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ये सांप जहरीले तो नहीं होते, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत सीधे होते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को पकड़कर उसके चारों तरफ लपेट लेते हैं। उसके बाद उन्हें जकड़कर ये इतना जोरदार दबाव डालते हैं कि शिकार का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाते हैं। आपको बता दें कि ये सांप ज्यादातर रात में ही सक्रिय होते हैं और जहरीला ना होने की वजह से ज्यादातर लोग इन्हें अपना पालतू बनाना भी पसंद करते हैं। बर्मीज पायथन। दोस्तों बर्मीज पायथन की लंबाई लगभग 23 फीट के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 90 किलो तक होता है। आमतौर पर ये सांप चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। बर्मीज पायथन भी अपने शिकार को बेहद ही खतरनाक तरीके से अपने कुंडली में जकड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इनकी क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवर को भी ये अपनी कुंडली में जकड़कर मौत की नींद सुलाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये सांप सुनसान जगहों पर रहना पसंद करते हैं, जो अपना समय अकेले ही गुजारते हैं, और ये केवल प्रजनन के समय ही अपने पार्टनर के साथ दिखाई देते हैं। ब्लैक मांबा। दोस्तों ब्लैक मांबा सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जो कि दुनिया भर में अपने घातक विष के लिए जाने जाते हैं। इनकी लंबाई 8 फीट से लेकर लगभग 14 फीट तक हो सकती है, लेकिन इनका वजन काफी कम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका वजन सिर्फ 2 किलोग्राम तक ही होता है। हालांकि कम वजन होने की वजह से ये सांप लगभग 12.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकते हैं। आमतौर पर अफ्रीका में पाए जाने वाले इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी इंसान को काट लें तो सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो सकती है। इनके इस खतरनाक जहर को कई सारी दवाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन पायथन। दोस्तों इंडियन पायथन सांप को भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों की लिस्ट में से एक माना जाता है, जिनकी लंबाई लगभग 20 फीट के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 68 किलोग्राम तक होता है। हालांकि इन सांपों का सिर काफी छोटा होता है, लेकिन इनका शरीर काफी ज्यादा विशालकाय होता है। आमतौर पर ये सांप हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के जंगलों में पाए जाते हैं। ये बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इसके साथ ही शिकार करने के मामले में भी ये काफी एक्सपर्ट होते हैं। अगर एक बार ये अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो झपकते ही उसे अपना भोजन बना डालते हैं। हालांकि ये सांप छोटे मोटे जीवों और पक्षियों को ही अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन कभी कभार ये इंसानों के ऊपर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। अफ्रीकन रॉक पायथन। दोस्तों आपको इस सांप के नाम से ये तो पता चल ही गया होगा कि ये सांप आमतौर पर अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। अफ्रीकन रॉक पायथन की लंबाई लगभग 16 फीट के आसपास होती है, जो इन्हें दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक बनाती है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़कर बेहद ही बेरहमी से मारने के लिए जाने जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि ये इतने गुस्सैल स्वभाव के होते हैं कि जरा सी आहट को महसूस करते ही ये तुरंत ही झपट्टा मार देते हैं। यही वजह है कि इनके गुस्सैल स्वभाव के साथ साथ इनका भारी भरकम शरीर इन्हें और भी खतरनाक शिकारी बनाता है, और जब इन्हें भूख का एहसास होता है तब ये कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जब इन सांपों की भूख अपने चरम पर पहुंचती है तो ये अपने खुद के अंडों को भी खाने लगते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और इनमें से कौन सा सांप आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।